अस्सलाम वालेकुम, माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? जी जी पहले तो बच्चों उठ जाओ, ईद दे, उठ जाओ बच्चों, ईद दे, हरी अप कमांड। मॉर्निंग तो अभी हुए 7 o'clock और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा उठने को, और रात बहुत लेट हो गया था, 1 o'clock हो गया था, बल्कि मैंने 12 o'clock के शॉवर लिया, तब उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई, तब उसके बाद मैं जाके सोई हूँ। बहुत दिल कर रहा था सोने को, तो अभी ये ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग, बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा एक्सट्रीमली। तो चले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेके चलती हूँ अपने वेट स्केल की तरफ। मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के डे पे आपको अपना वेट चेक कराऊंगी, तो चले चलते हैं वेट स्केल की। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जी तो कितना है? 82। जी तो वेट है मेरा अभी 81, कल 81 था और 82। कल मेरा मॉर्निंग में मैंने चेक किया तो 81 था, और देख लें आपको चेक करने लगी तो 82 हो गया है। साथ क्या कहते हैं, मेरी अचीवमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। माशाल्लाह आपको याद होगा जब मैंने आपसे शुरू से शेयर किया था, जब मैं अपना डाइट वगैरह स्टार्ट करने वाली थी वेट लूज प्रोग्राम, तो तब मेरा 90 था या ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह करो तो मैंने RKG मैंने आई थिंक 1.5 month में अपना लूज़ किया है। मेरे लिए हैप्पीनेस है डबल, इसलिए ईद की भी हैप्पीनेस है और ये भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी किया लेकिन माशाल्लाह किया है। और ऐसे ही घर पे मेन एक्सरसाइज तो जिम के बगैर किया है माशाल्लाह, तो इट्स प्राउड थोड़ा सा बनता है क्यों नहीं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई करना चाहता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं किस तरह से। तो मेरा ये थोड़ा सा टारगेट था कि मैंने ईद पे आपको चेक कराऊंगी, ईद तक मैंने इतना लूज करना है, लेकिन ये था कि एक रह गया है लेकिन वो नहीं हुआ। वो क्योंकि क्या हुआ कि वो स्टुक हो गया, 2-3 3 डेज से वो ऐसे ही एक ही नंबर पे स्टुक था। हो जाता है इस तरह से, जब हम सोचते हैं करते हैं तब नहीं होता, जब हम सोचना छोड़ देते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में तो तब वो होता है। तो आज इसी तरह हुआ, वो मैं सोच रही थी 2-3 डेज से कि 1 रह गया, ये हो जाए इंशाल्लाह ताला, तो वही नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत है माशाल्लाह, मैंने इतना किया है और इसी तरह से किया है। 12 बजे तो मैंने शॉवर लिया था क्योंकि फ्रेशली, क्योंकि ज़ाहिर कुकिंग वगैरह की थी, उसकी वजह से जिंजर गार्लिक का वो हमारे अंदर वो चला जाता है स्मेल सी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं सारा करके तो फिर मैं आराम से फ्रेश होंगी। तब फिर उसके बाद मैंने नेल पेंट लगाई, मेहंदी लगाई, जब बच्चे सारे सो गए देन फिर मैं रिलैक्स हुई, फिर मैं जाके सोई, मैंने इतना लेट हो गया। तो चलें जी फिर हो जाते हैं जल्दी से रेडी ईद के लिए और फिर करते हैं कंटिन्यू। क्या ख्याल है? मेरा ना आई लाइनर डिफरेंट लग गया, देखो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा नीचे, क्योंकि आज मैंने वो टेप नहीं लगाई थी, भूल गई थी। देखो एक ऊपर जा रहा है ना, एक थोड़ा इधर जा रहा है, ऐसे है ना। जी तो मैं मेकअप आज सारा A to Z नहीं दिखा रही क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो गया था मेकअप का, तो शॉर्ट्स में मैं ऐड कर दूंगी, शॉर्ट्स में जाकर देख लीजिएगा। इसके साथ इंशाल्लाह ताला कलर रेडी होने का मैं थोड़ा सा बना दूंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा ईद आउटफिट, ईद एक्सेसरीज सब कुछ रेडी है, तो बस अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। और ये मैंने कैसे मैनेज किया, बहुत ज़बरदस्त सा किया। तो बस यहाँ पे माँ और बेटी रेडी हो रही है, तो रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं कि हमने क्या आउटफिट है हमारा ईद का और किस तरह से रेडी हुई है।
क्योंकि आज उसका और मेरा एक साथ मैचिंग है सब कुछ माशाल्लाह। तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंस है, एडिट बनता है थोड़ा सा ट्विस्ट। तो इसके साथ ये देखूँ, बैदुल्ला का ड्रेस मैंने लिया था माशा शलवार कमीज में, और उसने शौक से मेहंदी लगवाई थी, और ये नेक्स्ट शॉप है, नेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा इस तरह के कपड़े अवेलेबल थे। ईद है आज, तो ये है अल्लाह ताला के गिफ्ट, अल्लाह ताला का इनाम, जो कि हमने 30 रोजेस रखे माशाल्लाह पूरा मंथ, तो उसका सब्र करने का, सब कुछ अच्छा अच्छा करने का, ये हमारा सिला है, गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। तो आज है जी ईद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से आप सबको ईद मुबारक जी। रेडी में कैसे हुई, ये वही वाइट शर्ट है जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इसको गर्व करूँ, तो मैंने वेयर कर लिया है जी। इसके साथ मैंने मैरून कलर का कंट्रास्ट किया है, स्कार्फ, इयर रिंग्स, और ये तो ईद की शान है, ईद की चूड़ियाँ खनखन्ना करती हुई हो, ईद पे तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये मैंने वेयर कर लिया था इस तरह से, तो ये है मेरा ड्रेस, सिंपल वाइट, कहते हैं ईद पे वाइट पहनना सुन्नत है, तो इसलिए जी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, आप सब रेडी हो चुके हैं, नहीं रेडी हुए थे जाएं और दूसरे दिन के लिए रेडी होती, तो क्योंकि मेरा व्लॉग तो अभी आप तक पहुंचा है, तो डे गुजर गया है, तो सेकेंड डे के लिए जरूर रेडी हूँ। तो चलिए जी अभी क्या करते हैं, अभी मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो ही होगी हमारी पार्टी स्टार्ट। तो उसके बाद हस्बैंड आते होते हैं और मैं ज़रूर उनका वेलकम करती हूँ, उनसे सबसे पहले मिलना होता है, ज़ाहिर है ईद मिलन डे होता है, तो ये तो सब होता है। तो बस अभी ईद की वसूली और लेनी देनी होगी। उसके बाद डिज़र्ट में मैंने मिल्क केक बनाया था, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा प्लान थोड़ा सा मिस हो गया था, बट फिर भी बन गया। तो इसके साथ ही जी इस तरह से मिल्क उनको सेपरेट अच्छा लगता है, जो कि डिज़र्ट मिल्क होता है, मिल्क केक के ऊपर डालते हैं, तो बड़ा ही कुछ ना पूछे, ये बाद में स्टोरी सुनाऊँगी कि हुआ क्या था। उसके बाद जी यहाँ डिज़र्ट रेडी हुई, उसके बाद जी 11 o'clock अभी नहीं हुए, बस होने ही वाले हैं, तो अभी मुझे निकलना है और चाची के घर जाने के लिए। आज मैं बहुत हैप्पी हुई हूँ, क्योंकि जब कोई इतने प्यार से इनविटेशन देता है ना, तो इनविटेशन कबूल करनी पड़ती है और ना ही रिजेक्ट, तो ऐसा चांस कभी कभी ही मिलता जी है। तो गाइज अभी जाना है, थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि भाई आ गए थे, ब्रदर लॉ, तो अभी जाना है चची के यहाँ, क्योंकि वो वेट कर रही हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था, तो थोड़ा सा ईद का टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करूँगी। तो बस चलते हैं फिर जल्दी से, और बाकी का ईद का डे स्पेंड करते हैं। और मैंने बनाया है चची के लिए ईद कपकेक्स, और साथ में देखिए मज़े के, और इसके साथ में मैंने लिए है साथ में फ्लावर। तो अभी जाते हैं चची के घर, जो कि मेरा वेट कर रही हैं बहुत शिद्दत से, बट कभी कभी इतना मैं कह रही थी कि टाइम से पहुंचूं, लेकिन उतना ही थोड़ा सा लेट हो रहा है। और उसके साथ ही अच्छा कपकेक्स बहुत मज़े के बने, लेकिन मैंने एक भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना अपनी चाहत से किसी के लिए बनाए हैं। और ये वाला हाथ मेरा एम्प्टी है, मेरे इस पे कोई मेहंदी नहीं लगा सकता, तो देखती हूँ। ओह नो, मैंने मेहंदी लेके आनी थी, मैंने कहा था मैं अपनी किसी कज़न से, किसी से मेहंदी इस पे लगवा लूँगी, मेहंदी भूल गई हूँ। अरे शरा लें जी, बस चलते हैं, क्योंकि मौसम आज इतना ठंडा है कि 2-3 days सही मौसम था, नाइस था, सनी था, लेकिन आज मुझे भी पक्का डाउट था कि नहीं सनी होगा, बारिश, ठंडा हवा, मौसम ख़राब। और इसके साथ ही चाची ने इतना कुछ बनाया हुआ था माशाल्लाह, स्टार्टर्स मज़े का फूड माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही टाइम के बाद, बड़े अरसे के बाद मुझे इस तरह का खाना देखने को मिला है और इंजॉय करने के लिए। तो बस कज़नों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, आज मेरा यहाँ पे डे है, तो आज इनके साथ थोड़ा सी ईद सेलिब्रेट करनी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं ना, रमज़ान के बाद ट्रीट श्रीट बनती है, क्योंकि ईद पर कोई डाइट शाइट नहीं होती, डाइट मना होती ईद पे, क्योंकि ईद साल में एक दफ़ा,
और सेकंड टाइम फिर आएगी। तो बस यह स्वीट्स वगैरह बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये बाहर नहीं खेले खेल पा रहे थे क्योंकि बाहर सन ही नहीं था, और बस यही फ़ोटो वगैरह कैप्चर करेंगे ये वो। तो मेरी तरह मेरी कज़न्स और चेची ने भी काफ़ी सारा मैनेज किया हुआ था क्योंकि सब कन्फ्यूज़ थे कि आज ईद होगी नहीं होगी। इसलिए चलें जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ईद स्पेशल व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल हाज़िर होंगी। तो अभी कल का डे है माशाल्लाह ईद का, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।